हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में देखो, हमने डेफिनेशंस तो बता दी हैं आपको, यूनिट सेल डिफाइन कर दिया, ब्रेविस लेटिसेस बता दिए। चलिए, अब चैप्टर के हमारे मेनली तीन पार्ट हैं, मेटालिक क्रिस्टल्स, आयनिक क्रिस्टल्स एंड डिफैक्ट्स, पॉइंट डिफैक्ट्स इन सॉलिड्स। तो चैप्टर के मेन तीन पार्ट हैं। पहला पार्ट बात करेंगे मेटालिक सॉलिड्स। तो हेडिंग लिखो, मेटालिक सॉलिड्स, दैट मीन्स पैकिंग ऑफ आइडेंटिकल स्फीयर्स। तो पैकिंग ऑफ आइडेंटिकल स्फीयर्स, मेटल मेटालिक सॉलिड्स की बात कर रहे हैं हम, तो मतलब मेटल्स की बात कर रहे हैं। और मेटल में तो सभी एटम सेम मेटल के हैं, सोडियम मेटल है तो सभी एटम सोडियम के हैं, आयरन मेटल की बात कर रहे हैं तो सभी एटम्स आयरन के हैं। तो स्फेरिकल मानते हुए इसका मतलब यू आर लर्निंग, यू आर टॉकिंग अबाउट द पैकिंग ऑफ आइडेंटिकल स्फीयर्स। अब अगर ध्यान से देखो, मेटालिक सॉलिड्स में तो सब आइडेंटिकल स्फीयर्स की पैकिंग है, और जो आयनिक क्रिस्टल्स होंगे ऑब्वियसली आयनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे होंगे, तो उसमें कैटायन होगा, एनायन होगा, ऑब्वियसली साइजेस भी डिफरेंट होंगे कैटायन और एनायन के। तो वी हैव टू लर्न द पैकिंग ऑफ द टू डिफरेंट साइज्ड स्फीयर्स इन केस ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स। आयनिक क्रिस्टल पे तो बाद में आएंगे, पहले बात करते हैं मेटालिक क्रिस्टल्स की, वेयर वी हैव टू लर्न द पैकिंग ऑफ आइडेंटिकल स्फीयर्स। अब मैंने पहले भी कहा, हर क्रिस्टल 3D होता है, एवरी क्रिस्टल इज 3D, बट 3D समझने के लिए यू शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ 2D। तो पहले सीखते हैं पैकिंग ऑफ आइडेंटिकल स्फीयर्स इन 2D। तो लिखो हेडिंग, पैकिंग ऑफ आइडेंटिकल स्फीयर्स इन 2D। तो पैकिंग ऑफ आइडेंटिकल स्फीयर्स इन 2D। तो दो तरीके से हम 2D में पैकिंग करते हैं आइडेंटिकल स्फीयर्स की। ए, स्क्वायर पैकिंग, स्क्वायर पैकिंग में भी फर्स्ट विद टचिंग स्फीयर्स, स्क्वायर पैकिंग में भी विद टचिंग स्फीयर्स। विद टचिंग स्फीयर्स कैसे? स्क्वायर पैकिंग करनी है, 2D की बात कर रहे हैं तो एक ही लेयर हमें बनानी है स्फीयर्स की। तो इट इज समथिंग लाइक दिस, एंड लाइक दैट इट विल गो ऑन। ठीक बन गए? अरे वाह, जनरली ये स्टाइलस से और इस पैड पर थोड़ा सा हाथ फिसलता है, बट फिर भी ठीक है। आई थिंक इट इज मैनेजेबल, यू यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। दिस टाइप टच कर रही हूं मैं ये, तो ये है टच करते हुए स्क्वायर पैकिंग। वाई स्क्वायर पैकिंग? बिकॉज द यूनिट सेल इज स्क्वायर लाइक दिस। तो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, सो दिस इज द यूनिट सेल, स्क्वायर यूनिट सेल। तो स्क्वायर यूनिट सेल है ये। अब मान लो ये ए है, यूनिट सेल का जो एज लेंथ है दिस इज ए, तो ए इज द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल एंड दैट इज नथिंग बट 2R, वेयर R इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। R इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर मतलब एटम, आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं या आइडेंटिकल एटम्स हैं, बट हम 2D में ले रहे हैं तो दीज स्फीयर्स विल बी प्रोजेक्टिंग इन 2D इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स। तो एक तरीके से सर्किल ही तो हैं भाई, स्फीयर को 2D में प्रोजेक्ट करोगे तो इट विल अपियर लाइक सर्किल। तो 3D की बात नहीं कर रहे, अभी हम 2D की बात कर रहे हैं स्क्वायर पैकिंग में। सो लाइक दैट इट इज देयर। तो वॉट इज अ कॉर्डिनेशन नंबर हियर? एक टर्म डिफाइन करते हैं, कॉर्डिनेशन नंबर। शॉर्ट में सी एन बोलते हैं इसको। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, नंबर ऑफ तो
तो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर. तो बताओ कितने नियरेस्ट नेबर हैं. मान लो ये वाला स्फीयर ले लिया हमने, इस वाले को स्टडी कर रहे हैं, तो यहां नियरेस्ट स्फीयर कौन से हैं, टच करने वाले ही नियरेस्ट हैं. एक ये हुआ, दूसरा, तीसरा और ये चौथा टच करता हुआ ये भी, तो चार स्फीयर टच कर रहे हैं. तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर हियर, फोर. तो हर स्फीयर को टच करने वाले चार स्फीयर हैं, सो दैट इज द नियरेस्ट नेबर्स. तो डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज व्हाट, द नियरेस्ट नेबर्स टू एनी स्फीयर. अच्छा कोई भी स्फीयर लो, बिकॉज क्रिस्टल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि एवरी स्फीयर हैज गॉट द आइडेंटिकल सराउंडिंग्स और आइडेंटिकल एनवायरमेंट. तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज फोर. अच्छा कई बार हमें निकालनी हो कि इसकी एरिया एफिशिएंसी क्या होगी, तो वी कैन कैलकुलेट एरिया एफिशिएंसी. वॉल्यूम एफिशिएंसी की बात नहीं करेंगे, 3D की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग इन 2D. 2D में स्फीयर्स विल अपीयर एज सर्किल, और सर्किल तो क्या है, उसका एरिया ही बता सकते हैं. तो एरिया एफिशिएंसी ऑफ सच काइंड ऑफ पैकिंग, ऑफ सच पैकिंग वुड बी व्हाट, यूनिट सेल पूरे पूरे क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करता है. तो जो प्रॉपर्टीज यूनिट सेल की, वही प्रॉपर्टी पूरे पूरे सॉलिड की. तो इसका मतलब जरा यहां से देखना, ये यूनिट सेल है, स्क्वायर यूनिट सेल. इसमें दिस इज द पोर्शन ऑक्यूपाइड बाई सर्किल्स, दिस इज द पोर्शन ऑक्यूपाइड बाई सर्किल्स, दिस इज द पोर्शन ऑक्यूपाइड बाई सर्किल्स एंड दिस ऑल्सो. बट ये जो बीच में स्पेस बचा, ये तो वॉइड स्पेस है, खाली जगह रह गई है. तो इसका मतलब दिस इज 90 डिग्री. तो सर्किल का कितना पोर्शन आ गया, एक सर्किल का 1/4, अनदर 1/4, अनदर 1/4, अनदर 1/4. तो चार 1/4 हैं सर्किल्स के. तो 4 × 1/4 पोर्शन ऑफ अ सर्किल, तो इसका मतलब इफेक्टिवली वन सर्किल इज देयर एंड द एरिया इज पाई आर स्क्वायर अपॉन व्हाट इज द एरिया ऑफ द यूनिट सेल. एरिया ऑफ द यूनिट सेल इज ए स्क्वायर इंटू 100. यहां से अगर ध्यान से देखें तो पाई आर स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू कितनी, ए इज 2r, तो 2r का होल स्क्वायर मीन्स 4r स्क्वायर इंटू 100, तो 25 पाई, विच इज इक्वल टू नियरली 78%. तो पैकिंग एफिशिएंसी या एरिया एफिशिएंसी ऑफ सच काइंड ऑफ स्क्वायर पैकिंग विद टचिंग स्फीयर्स इज 78%. अब बात आती है 2D करें क्या, कोई भी सॉलिड 2D में नहीं होता, एवरी सॉलिड इज 3D, एवरी क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैज द यूनिट सेल 3D. बट हमने तो कहा है कि 3D पढ़ने से पहले हमें 2D पढ़ना होगा टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. तो इसका मतलब यही 2D स्ट्रक्चर है, इसको एक्सटेंड करेंगे जब हम, तो इट विल जनरेट द सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यूज भी आएगा अभी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में या इसी वीडियो लेक्चर में, दैट व्हेन सच 2D पैकिंग विथ टचिंग स्फीयर्स इज एक्सटेंडेड इन 3D, इट फॉर्म्स सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर. तो ये सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव स्ट्रक्चर बनाता है, और प्रिमिटिव क्रिस्टल स्ट्रक्चर, प्रिमिटिव क्यूबिक स्ट्रक्चर. कैसे, जब हम 3D पढ़ेंगे तो ये बात हम फिर दोबारा से रिविजिट करेंगे, दोबारा से इसके बारे में बात करेंगे. तो व्हेन सच 2D पैकिंग विद टचिंग स्फीयर्स इज एक्सटेंडेड इन 3D, इट फॉर्म सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर और प्रिमिटिव क्यूबिक स्ट्रक्चर. तो ये था क्यूबिक स्फीयर्स और क्यूबिक पैकिंग विद टचिंग स्फीयर्स. अच्छा नॉन टचिंग हो तो क्या होगा, लेट अस सी. सेकंड हेडिंग क्या लिखा था हमने, क्यूबिक पैकिंग विद टचिंग स्फीयर्स विद नॉन टचिंग स्फीयर, स्क्वायर पैकिंग थी, हाँ स्क्वायर पैकिंग विद नॉन टचिंग स्फीयर्स. नॉन टचिंग स्फीयर्स का मतलब सिचुएशन वुड बी लाइक दिस, लाइक दैट स्फीयर विल बी देयर,
है स्क्वायर, पैकिंग की यूनिट सेल विल बी स्क्वायर बट स्फीयर्स आर नॉट टचिंग इन द गिवन लेयर। हालांकि अभी तो हम 2D की बात कर रहे हैं तो एक ही लेयर की बात करेंगे, जब 3D पढ़ेंगे तो ये आएगा। तो ये भी यूनिट सेल स्क्वायर ही है। अगेन इट इज ए स्क्वायर यूनिट सेल बट दिस टाइम स्फीयर्स आर नॉट टचिंग, सो यू कैन नॉट से दिस टाइम ए इज नॉट इक्वल टू 2R, R इज द रेडियस, ए इज द एज लेंथ ऑफ द स्क्वायर यूनिट सेल। तो इस बार ए 2R के बराबर नहीं है बट कोऑर्डिनेशन नंबर हम तो कह ही सकते हैं, तो CN कोऑर्डिनेशन नंबर वो वापस कितना बताओ कितना, ज्यादातर स्टूडेंट जीरो बोलते हैं, जीरो नहीं है, 4 है भाई। टचिंग स्फीयर इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मींस नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। मान लो ये वाला स्फीयर की बात करी हमने, तो नियरेस्ट नेबर ये नहीं हो, ये वाला है, ये नियरेस्ट ही तो है, 2, 3, 4 है ना नियरेस्ट, इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस सबसे पास है। ये वाला थोड़ा दूर हो गया, डायगनली हो गया ना, तो इसका मतलब ये चार स्फीयर्स नियरेस्ट हैं, जरूरी थोड़ी है टचिंग हो, वो टचिंग हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, सो दिस इज 4 एंड पैकिंग एफिशिएंसी वी कैन नॉट फाइंड आउट अनलेस रिलेशन बिटवीन ए एंड आर इज गिवन। सो पैकिंग एफिशिएंसी कैन बी कैलकुलेटेड इफ रिलेशन बिटवीन ए एंड आर इज नोन। ऑब्वियसली दैट एफिशिएंसी वुड बी लेस दिस टाइम बिकॉज स्फीयर्स आर नॉट टचिंग, सो मोर स्पेस विल बी द वॉइड स्पेस और अनयूटिलाइज्ड स्पेस बाय द स्फीयर्स और द सर्कल्स। तो ये थे नॉन टचिंग स्फीयर्स। अब बात आती है वही, करें क्या इसका, 2D में है, 2D में तो कोई क्रिस्टल होता नहीं है, 2D से ही तो 3D बनेगा। क्यों पढ़ रहे हैं हम ये 2D, बिकॉज ये समझ करके हम 3D को आसानी से समझ पाएंगे। तो यही एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहां लिखेंगे जैसे अभी ऊपर लिखा था, दिस इज इंपॉर्टेंट कि स्क्वायर पैकिंग विद नॉन टचिंग स्फीयर्स when extended in 3D forms body centered cubic structure। forms body centered cubic structure जिसे हम BCC बोलते हैं, क्यूबिक सिस्टम में, यह भी हमें पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। तो ये तो हुई स्क्वायर पैकिंग। वन मोर पैकिंग इज देयर, हेक्सागनल पैकिंग बी। हेक्सागनल पैकिंग, हेक्सागनल पैकिंग में स्फीयर्स टच करके रखे हुए होते हैं इस टाइप से। ये स्फीयर्स हैं और सेकंड लाइन वाले स्फीयर, स्फीयर के नीचे स्फीयर रखा हुआ नहीं है, ये रेस्ट इन टू द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट टू स्फीयर, इस टाइप से। ये थोड़ा बड़ा बन गया बट कोई बात नहीं, आप समझ जाएं। हालांकि लिए फिर भी डायग्राम की क्लैरिटी के लिए यू कैन ऑलवेज रेफर NCERT। So like that packing will be there, हो गया बस, समझ गए आप, and like that. Why it is called hexagonal packing? देखो पहली layer sphere touch करते हुए, पहली line,
सेकेंड लाइन का स्फीयर पहली वाले लाइन के दो स्फीयर के डिप्रेशंस में रेस्ट करता हुआ है, डिप्रेशंस में रेस्ट करता हुआ है। और जरा ध्यान से देखोगे तो ये हेक्सागन ही तो है भैया, ये रेगुलर हेक्सागन है, देख लो यहां जरा, दिखा के ना, अबे दिखा के ना, ये देख, दिखा, अबे ये हेक्सागन दिखा के दिखा। तो एक तरीके से ये हेक्सागनल का 1/3 पोर्शन हमने समझाया भी था, ये यूनिट सेल ही तो है, ये अगर ए है, ये भी ए है, और बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, सो दिस इज द हेक्सागनल यूनिट सेल। सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच स्फीयर, मान लो ये वाला स्फीयर की बात कर रहे हैं, तो देखो ये 6 को टच कर रहा है, 2, 3, 4, 5, 6 को टच कर रहा है, तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन सच केस, 6। तो ईच स्फीयर टचेस 6 स्फीयर्स इन इट्स ओन प्लेन अराउंड इट। अच्छा, किसी भी स्फीयर, एवरी स्फीयर इज आइडेंटिकल इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर बिकॉज इट हैज गॉट द सिमेट्रिकल एनवायरमेंट और सराउंडिंग्स। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 इन हेक्सागनल पैकिंग। पैकिंग एफिशिएंसी मींस एरिया एफिशिएंसी वी कैन कैलकुलेट। तो एरिया एफिशिएंसी वुड बी व्हाट, हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर इनसाइड द हेक्सागन। हेक्सागन को ही हम यूनिट सेल मान लेते हैं। चलो तो देखो जरा ये वाला एंगल कितना है, कितने सर्कल्स हैं, ये 120 है और टोटल एंगल होता है 360। तो 120 इज 1/3 ऑफ द 360, तो इसका मतलब 1/3 सर्किल इनसाइड, ये वाला 1/3 सर्किल इनसाइड, 1/3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 सर्किल्स आर 1/3 प्लस 1 सर्किल इज कंप्लीटली इनसाइड द हेक्सागन स्ट्रक्चर, तो 1 मोर, इतने सर्किल हुए इंटू पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द सर्किल्स इन दिस हेक्सागन। अब इस हेक्सागन का एरिया कितना अपॉन एरिया ऑफ द हेक्सागन, यूनिट सेल को हेक्सागन ही मान लिया हमने, हेक्सागन को ही यूनिट सेल मान लिया हमने, तो आपको हेक्सागन का एरिया तो मालूम ही होगा ना, क्या 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलके बना हुआ होता है कोई भी हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन इज कंसिस्टिंग ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 6 इंटू कितना रूट 3 अपॉन कितना 4 इंटू ए स्क्वायर। व्हाट इज ए स्क्वायर, ए इज नथिंग बट 2r का होल स्क्वायर इंटू 100, करना तो जरा सॉल्व, तो 3, 2, 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन 3√3/2 इंटू 4r² इंटू 100, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 3 से ये 3 भी कैंसिल और 2 ऊपर चला गया और 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, 2 टाइम्स से ये 50 टाइम्स, तो 50 पाई अपॉन रूट 3, तो लगभग 50 इंटू पाई कितना 3.14 अपॉन रूट 3 1.73, तो लगभग 50 अपॉन 2 ये लगभग 91% के आसपास आ जाती है। सो दिस एफिशिएंसी इज नियरली 91%, सो ऑब्वियसली मोर एफिशिएंट देन द स्क्वायर टचिंग स्फीयर्स, सो दिस पैकिंग इज मोर एफिशिएंट, तो ये बात कह सकते हैं हम। अच्छा बात ये आती है 2D करें क्या, वही 2D को तो एक्सटेंड करोगे तो तभी तो 3D बनेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, एक तो ये कि हेक्सागनल पैकिंग, हेक्सागनल 2D पैकिंग इज मोर एफिशिएंट देन द स्क्वायर 2D पैकिंग, ऑफ कोर्स विद टचिंग स्फीयर्स। तो हेक्सागनल 2D पैकिंग इज ऑलवेज मोर एफिशिएंट देन द स्क्वायर 2D पैकिंग, यहां 91% और वहां टचिंग स्फीयर्स में 78% आया था लगभग कैलकुलेशन करेंगे तो। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यूज क्या है, करें क्या, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये वाला सिंबल यूज कर रहे थे हम, क्या दिस हेक्सागनल 2D पैकिंग
when extended in 3D forms HCP और CCP स्ट्रक्चर क्या है ये डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में. तो CCP स्ट्रक्चर डिपेंडिंग अपॉन स्टैकिंग पैटर्न तो दिस हेक्सागनल 2D पैकिंग व्हेन एक्सटेंडेड इन 3D फॉर्म्स हेक्सागनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर HCP एंड क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर CCP डिपेंडिंग अपॉन स्टैकिंग पैटर्न. तो ये था 2D में पैकिंग. अब इस 2D से 3D समझना ज़्यादा आसान होगा तो एक बार इसको पढ़ लें. हालांकि इस पोर्शन के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन तो 3D के ऊपर ही आते हैं, बट 3D वाले वी विल टेक अप मेटालिक क्रिस्टल्स में इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. दैट्स इट फॉर नाउ.